आज मैं आपके साथ प्रोटीन कलाकंद की रेसिपी शेयर करूंगी जो एकदम प्योर है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली किसी भी स्वीट में प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। एंड टेक्सचर देखिए, एकदम मार्केट जैसा आया है। आप भी इस डिलीशियस कलाकंद की रेसिपी को विद इन 10 to 15 मिनट में ईजिली बना सकते हैं, वो भी बहुत थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पनीर लिया है, 500 ग्राम पनीर है, हाफ ग्लास मिल्क। मिल्क को पैन में डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको चलाना है इस तरीके से। एंड जो ग्रेटेड पनीर था उसको ऐड कर लेंगे मिल्क में, अच्छे से मैश कर लेंगे मिल्क के साथ इसको इस तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे मैं ये थोड़ा इलायची पाउडर है ऐड किया है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी और पनीर को मैश करते रहेंगे इस तरीके से। एक बार आप इसको इस तरीके से बना के देखिए, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से। मैश करते रहिए, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। इस पॉइंट पे मैं ये कंडेंस मिल्क है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी इस तरीके से, चलाते रहेंगे इसको कॉन्स्टेंटली, छोड़ना नहीं है नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इस तरीके से अच्छे से पकाना है। ये देखिए एकदम बन चुका है, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। थोड़ा सा इसको चलाएंगे इस तरीके से, अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। एंड मैंने ये एक प्लेट ली है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से और इसमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। देखिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट से इसको इससे गार्निश कर लेंगे। देखिए इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए एकदम तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद में ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अभी इसको पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे से कट कर लेंगे पीसेस में। इसी तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। एंड लीजिए आपकी दानेदार कलाकंद बनके तैयार है। अगर कोई आता है तो भी आप उसको बहुत जल्दी बना के सर्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है खाने के लिए मीठा, आप इसको बना सकते हैं 15 मिनट में, आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, किसी को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।